गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। टुडे इज 17th डे ऑफ आवर क्लास। ओके, एंड और आज हम हिंदी की एक कविता देखेंगे। ठीक है, बादलों के ऊपर है वो कविता। आइए देखते हैं क्या है वो कविता। क्या नाम है कविता का? मन के भोले भाले बादल। ठीक है, बादलों के ऊपर ये कविता है और किसने लिखा है इस कविता को? श्री कल्पनाथ सिंह जी ने। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है कविता। छबर छबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहकर, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। सुना आप सबने कविता? अच्छी लगी आप सबको पढ़ने में? तो आपको आज क्या करना है, आज को इस कविता का इसी तरह से उच्चारण करना है। ठीक है, कम से कम 5 बार इसको इस तरह से पढ़िए। ठीक है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और इसकी जो भी एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या करना है, बस इसको पढ़ना है। कम से कम 5 से 6 बार इसको पढ़िए। जिस तरह अभी मैंने पढ़ा उस तरह पढ़ने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, पढ़ लेंगे सब। थैंक यू।